नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम धारणा केडाम है और हम पढ़ रहे थे गिल्लू बाय महादेवी वर्मा। और ये वीडियो में ये उसका दूसरा पार्ट है। तो अभी तक हमने देख लिया था कि कैसे गिल्लू इतना स्वस्थ हो गया था और वो लिकिका के साथ कैसे खेला करता था और कैसे ऊपर से नीचे जाता था और उसकी उनकी अटेंशन लेने के लिए बहुत आगे पीछे हुआ करता था। कभी पर्दों के ऊपर चढ़ जाता था और नीचे आ जाता था और कैसे लिखेगा भी उससे कितना प्यार करती थी। अब हम देखेंगे उससे आगे का। When hungry, he would inform me by twittering chick chick and after having received some biscuits of or kaju. जब उसे भूख लगती थी तो वो चिक चिक करके आवाज़ कर दिया करता था और फिर उसे लेखिका कुछ बिस्किट या काजू दे दिया करती थी। I wondered with the twittering of chick chick what transpired between him and the other squirrels that were often spotted near the wire meshed window. अब मैंने देखा कि उसकी चिक चिक से मुझे ऐसा लगा कि वो और दूसरी गिलहरियों में क्या अंतर है। तो अंतर था सिर्फ एक वायर मैश का, यानी एक जाली का जो उसकी खिड़की पर लगा हुआ था। जैसे ही बाहर देखा, गिल्लू उसकी खिड़की के पास बैठ गया और बाहर देखने लगा कि कैसे उसके सारे गिलहरी दोस्त बाहर खेल रहे हैं। तभी लेखिका को ऐसा लगा कि अब भी समय आ गया है कि गिल्लू को भी आज़ादी दे देनी चाहिए। By removing some nails, I made a small opening in a corner of the wire mesh and on being able to go out from his opening, Gillu was thrilled to be liberated. तो लेखिका ने वहाँ से कुछ खीले निकाले और उसकी पूरी जाली में से एक छोटा सा टुकड़ा जाली का हटा दिया जिससे गिल्लू वहाँ से आ जा सकता था। और जैसे ही गिल्लू को आज़ाद हुआ तो वो इतना ज़्यादा खुश हो गया कि वो अपने दोस्तों के साथ बाहर जाकर खेलने लगा। Due to my important papers and letters, my room used to remain locked in my absence. क्योंकि लेखिका के कमरे में काफ़ी महत्वपूर्ण कागज और खत हुआ करते थे तो उनका कमरा हमेशा लॉक रहता था, बंद रहता था जब वो वहाँ पर नहीं होती थी। और जैसे ही रूम खुलता था, जैसे ही वो अपने कॉलेज से आती थी और रूम के अंदर आती थी तो गिल्लू फट से उस जाली की एक छोटी सी ओपनिंग थी वहाँ से अंदर आ जाता था और उनके ऊपर नीचे होने लगता था, कूदने लगता था। सिंस देन दिस हैड बिकम अ रेगुलर प्रैक्टिस और तब से आज तक ये चलता ही रहा है। और मैं लीविंग द रूम, गिल्लू वुड ऑल्सो मेक एन एग्जिट थ्रू द वायर मैश ओपनिंग ऑफ द विंडो। जैसे ही लेखिका कॉलेज जाती थी वैसे ही गिल्लू भी अपनी खिड़की से बाहर चला जाता था। He would spend the whole day with his lord jumping and branching up and down the branches. पूरा दिन वो सिर्फ टहनियों पर ऊपर नीचे कूदना खेलना सब करता रहता था। और जैसे लेखिका आती थी वैसे ही वो भी कमरे के अंदर लेखिका के साथ खेलने आ जाया करता था। I have several pet animals and birds and all of them are quite fond of me, but I don't remember any of them daring to eat from my plate. लेखिका के पास कई पालतू जानवर थे और पक्षियाँ भी थे जो कि उन्हें काफ़ी पसंद थे और वो जानवर भी उन्हें पसंद करते थे, लेकिन किसी के पास इतनी हिम्मत नहीं थी कि लेखिका की थाली में से खाना खा सके। गिल्लू एक एक्सेप्शन था, गिल्लू अलग था। द मोमेंट आई वुड रीच द डाइनिंग रूम ही वुड इमर्ज फ्रॉम द विंडो क्रॉस ओवर द कोर्टयार्ड वॉल इन द वरांडा रीच द टेबल एंड वुड वॉन्ट टू सिट इन माई प्लेट। जैसे लेखिका डाइनिंग टेबल पर आ जाती थी जहाँ पर वो खाना खाती थी, अपनी थाली लेकर के आती थी, वो वैसे ही खिड़की से आता था, पूरा वरांडा को में कूद कूद कर आता था और अब उसी टेबल के ऊपर बैठ जाता था और थाली के पास में बैठता था। विद ग्रेट डिफिकल्टी आई टॉट हिम टू सिट क्लोज टू माई प्लेट। बहुत मुश्किल से मैंने उसे सिखाया कि कैसे मेरी थाली के पास में बैठना चाहिए। His favorite food was kaju and when not available for several days, he would refuse other food items and threw them down from the swing. Uska favorite khana, pasandida khana tha kaju. Aur jab bahut dino tak usse kaju nahi milte the ya kabhi kabhar kaju nahi hote the ghar pe, to wo koi aur khana khata hi nahi tha. Aur agar de bhi diya jaye to wo use apne ghar se yani ki us jhole se niche gira diya karta tha.
अराउंड दैट टाइम बींग इंजर्ड इन अ मोटर कार एक्सीडेंट आई हैड टू स्पेंड सम डेज इन द हॉस्पिटल. उस समय पर लेखिका एक दुर्घटना से मिली जिसके कारण उसे अस्पताल में काफ़ी दिन गुजारने पड़े. उन दिनों वेन एवर माई रूम वॉज ओपन गिल्लू वुड रश डाउन हिज स्विंग. जैसे ही उसके रूम में कोई आ जाता था गिल्लू वापस उस खिड़की से अंदर आता था. बट ऑन सीइंग समवन एल्स ही वुड विद द सेम एलैक्रिटी सेटल डाउन टू सेट इन हिज नेस्ट. लेकिन जैसे ही देखता था कि ये लेखिका नहीं है कोई और है वो वापस अपने घर चला जाता था. Everyone would offer him kaju, and when I cleaned up his wing on my return from the hospital, I discovered that it was full of kaju. हर किसी ने उसे काजू खिलाने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही लेखिका अस्पताल से वापस आई तो उसने देखा कि उसकी स्विंग यानी झूले पर जहाँ पर वो रहा करता था, जो लेखिका ने बनाया था, वहाँ पर काजू ही काजू पड़े हुए हैं. जिसका मतलब ये था कि उसने अपना फेवरेट पसंदीदा खाना भी उन दिनों नहीं खाया जब लेखिका अस्पताल में थी. During the course of my indisposition, he would sit near my head on the pillow and gently stroke my forehead and hair. जैसे जब मैं अस्पताल से आई और मैं इतनी स्वस्थ नहीं थी और अपने बिस्तर पर लेटा करती थी, वहाँ से हिल नहीं पाती थी, तो वो गिल्लू भी आ जाया करता था तकिए के पास और मेरे बालों में ऐसे सराया करता था. His moving away was like the going away of a nurse or attendant. और जैसे ही वो दूर जाता था तो ऐसा लगता था कि किसी नर्स दूर चली गई है. When I used to work during summer afternoons, Killu would abstain from going outside or sitting in a sweet swing. और जब लेखिका गर्मियों के दिनों में बाहर काम करने जाया करती थी तो गिल्लू भी बाहर नहीं जाता था. To keep himself close to me and also to tackle the summer heat, he had discovered a totally new method. अब इस भीषण गर्मी से भागने के लिए और बचने के लिए उसने भी एक नई तरकीब सोच ली थी. He would lie prostrate on a सुराही, सुराही यानी मटका, kept near me and thus remained cool and also close to me. तो वो क्या कर रहा करता था, मटके के ऊपर और पास में बैठ जाया करता था, जिससे कि हम दोनों ही, मटका मेरे पास में होता था तो जिससे कि उसे भी ठंडक लगी रहे और मुझे भी ठंडक लगी रहे. स्क्विरल्स हैव अ लाइफ स्पैन ऑफ बेरली 2 years. गिलहरियाँ ज़्यादा से ज़्यादा 2 साल तक जीवित रह सकती है. एज सच गिल्लूज लीज ऑफ लाइफ फाइनली केम टू एन एंड. और ऐसे ही गिल्लू की भी अब समय आ चुका था. फॉर दिस होल डे ही नीदर एट और वेंचर्ड आउट. पूरे दिन उसने कुछ नहीं खाया ना बाहर गया. इन द नाइट इवन विद द पेन ऑफ गोइंग अवे ही केम टू माई बेड फ्रॉम द स्विंग. और रात में भी सोने के बजाय वो मेरे पास आकर बैठ जाया करता था. क्लंच द सेम फिंगर विथ हिज आईसी क्लॉज विच ही हैड क्लंग टू इन हिज नियर डेथ लाइक स्टेट ड्यूरिंग हिज नेटल डेज. जैसे शुरुआत के दिनों में अपने पंजों से मेरी उंगली पकड़ा करता था, वैसे अभी भी मेरे पास में आकर के मेरी उंगली पकड़ लिया करता है. The claws were getting so cold that I switched on to the heater and tried to give him some warmth. जब उसके पंजे से अपनी उंगली पकड़ा करता था लेखिका का, तो लेखिका को लगता था उसके पंजे काफ़ी ठंडे हैं, इसलिए वो जाकर के हीटर, जिससे हम गर्म हवा आती है, उसे चालू कर देती थी ताकि उसे भी गर्माहट बनी रहे. बट एज द फर्स्ट रे ऑफ द मॉर्निंग टच्ड हिम ही डिपार्टेड. लेकिन अगली ही सुबह जैसी सूरज की पहली किरण आई वो गुजर चुका था. हिज स्विंग वॉज टेकन ऑफ द हुक एंड द ओपनिंग मेड इन द वायर मैश विंडो वॉज क्लोज्ड. उसका झूला जो खिड़की पर टंगा हुआ था जहाँ पर वह रहता था, उसे निकाल दिया गया और उस जाली में जो छोटा सा ओपनिंग बनाया था जिससे वो बाहर जा सकता था और अंदर आता था, उसे भी बंद कर दिया गया. गिल्लू वॉज पुट टू इटर्नल रेस्ट अंडर द सोनजूही क्रीपर बोथ बिकॉज ही लव्ड दिस क्रीपर मोस्ट एंड ऑल्सो बिकॉज ऑफ द सेटिस्फैक्शन आई डिराइव फ्रॉम माई बिलीफ दैट सम स्प्रिंग डे आई find him flowering and blossoming in the guise of a tiny yellow juhi flower. Gillu unko itna zyada pasand tha aur ek creeper yani ki ek lata jo hoti hai jo upar badhti rehti hai
उसे गिल्लू को काफी पसंद थी और लेखिका को भी काफी पसंद थी, और उसे ऐसा लगता था कि एक दिन गिल्लू वापस आएगा, उस क्रीपर में पानी डालेगा और उसमें से जब जूही फ्लावर आएगा तो उसे उस गिल्लू की याद दिलाएगा। तो कुछ प्रश्न दिए गए हैं जिसके हम उत्तर देने की कोशिश करेंगे। आप इस वीडियो को अभी पॉज कर सकते हैं और देख इन प्रश्नों के उत्तर हल करने की कोशिश कर सकते हैं। हाउ वुड गिल्लू इन्फॉर्म दैट ही वॉज हंग्री? गिल्लू कैसे बताता था कि वो भूखा है? गिल्लू ऐसे बताता था, वो चिक चिक करके आवाज़ करने लगता था जिससे लेखिका को पता चल जाता था कि गिल्लू अभी भूखा है। वॉट प्रॉम्प्टेड द नैरेटर टू सेट गिल्लू फ्री? नैरेटर यानी कि लेखिका को ऐसा क्यों लगा कि गिल्लू को अब आज़ाद कर देना चाहिए? तो लेखिका को इसलिए लगा क्योंकि गिल्लू अपनी खिड़की पर जाकर बैठ जाया करता था, जहाँ पर वो अपने दोस्त गिलहरियों को देखा करता था कि कैसे वो पेड़ों की टहनियों पर कूद रहे हैं, खेल रहे हैं। तो लेखिका को भी ऐसा लगा कि अब ऐसा समय आ गया कि इसे भी आज़ाद कर देना चाहिए। व्हाट इज़ द लाइफ स्पैन ऑफ स्क्विरल्स? स्क्विरल्स 2 सालों तक जीवित रह सकते हैं। व्हाट वॉज गिल्लूज फेवरेट फूड? गिल्लू का पसंदीदा खाना क्या था? तो वो थे काजू। व्हेन वॉज अ स्विंग टेकन ऑफ? उसका झूला जहाँ पर वो रहता था उसे कब नीचे लाया गया? तो जब गिल्लू की मौत हो गई तब उसका ही उसका झूलो झूला वापस लाया गया। अब यहाँ पर कुछ लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस हैं जैसे हम उत्तर देने की कोशिश करेंगे। जैसे कि व्हाट डिड द नैरेटर डू विद द वुंडेड स्क्विरल? हमने ये पहले भी पढ़ लिया था। लेखिका ने क्या किया? उसे उठाया, अपने घर पर लाई और उस पर उसके पहले घाव को भरने की कोशिश की पेनिसिलिन ऑइंटमेंट लगा करके। हाउ डिड द नैरेटर मेक द टाइनी बेबी स्क्विरल हेल एंड हार्टी? कैसे किया? तो उन्होंने खिड़की पर एक ओपनिंग बना दी, उसमें से कीले हटा करके, जिससे जैसे अब जब चाहता था बाहर जाता था और अंदर आ सकता था। जैसे वो बाहर जाता था तो अपने दोस्तों के साथ खेल लिया करता था। गिल्लू टुक लिटिल फूड ड्यूरिंग द इनडिस्पोजिशन ऑफ द नैरेटर। व्हाट डज दिस सजेस्ट? गिल्लू जब लेखिका काफ़ी बीमार हो चुकी थी तब थोड़ा ही खाना लिया करता था। तो इससे हमें क्या पता चलता है? जिससे हमें ये पता चलता है कि एनिमल्स और क्रिएचर्स यानी कि जानवर भी काफ़ी सेंसिटिव होते हैं नेचर को लेकर के, यानी पर्यावरण को लेकर काफ़ी मासूम होते हैं। और उन्हें भी ऐसा लगता है कि जब मेरा मास्टर यानी कि लेखिका जो उनकी काफ़ी अच्छी दोस्त बन चुकी थी वो अभी इतनी बुरी स्थिति में है, तो उनकी तरफ दया भावना दिखाने के लिए वो भी कुछ नहीं खाता था। डू यू हैव एनी पैट बर्ड? डज इट शो कंसर्न फॉर यू? अब आपके लिए प्रश्न है कि क्या आपके पास कोई पालतू जानवर है घर पर, और वो आपकी देखभाल कैसे करता है? आप तो करते ही हैं, लेकिन वो अपना प्रेम कैसे दर्शाता है? व्हाट डिड द स्टोरी राइटर फील एट द डेथ ऑफ गिल्लू? डिस्क्राइब हर फीलिंग्स इन योर ओन वर्ड्स। राइटर गिल्लू को काफ़ी पसंद करने लगी थी, यानी लेखिका गिल्लू को काफ़ी पसंद करने लगी थी, उन्हें दिल से काफ़ी पसंद था। और जैसे ही गिल्लू की मौत हुई तो राइटर को भी काफ़ी बुरा लगा। उससे ऐसा लगा कि उस स्प्रिंग सीजन में यानी कि एक जो मौसम होता है जिसमें सारे फूल खिलने लगते हैं, वैसे ही एक टाइम पर, एक समय पर गिल्लू भी ऐसे ही किसी लता के पास में दिखेगा, किसी फ्लावर गमले में पानी डालते हुए, और मुझे गिल्लू की याद दिलाएगा। इन वॉट कंडीशन डिड द राइटर फाइंड गिल्लू एंड वॉट डिड शी डू इट? हमने ये प्रश्न का उत्तर 2 बार दे चुका है, तो अब आप इस वीडियो को पॉज करिए और इस प्रश्न का उत्तर स्वयं देने की कोशिश करिए। अब आते हैं हम ग्रुप डिस्कशन पर, यानी कि हम चर्चा करेंगे। तो आप अपने ग्रुप बना सकते हैं अपने दोस्तों के साथ और सहेलियों के साथ, और उन पर इस बात पर चर्चा कर सकते हैं कि कैसे जानवर आपके कितने अच्छे दोस्त बन सकते हैं। इस पर चर्चा करिए कि क्या वो अच्छे दोस्त बन सकते हैं।
डिस्कस विथ योर फ्रेंड्स व्हाट एवर यू नोटिस इन द पिक्चर गिवन बिलो. यहाँ पर आपको एक चित्र दिया गया है जैसे आपको दिख रहा होगा. इसके बारे में आपको क्या क्या पता चल रहा है, अपने दोस्तों के साथ बात करिए, क्या लग रहा है आपको ये पिक्चर, ये चित्र क्या दर्शाना चाह रहा है, और ऐसे ही अपना उत्तर बनाइए. कंपोजिशन में है, राइट अ पैराग्राफ इन अबाउट 100 वर्ड्स ऑन रिलेशन बिटवीन मेन एंड बर्ड्स. अब आपको कुछ 100 शब्दों में बताना है कि कैसे पक्षियों और इंसानों के बीच में एक रिलेशन है, एक बॉन्डिंग है, वो आपको बताना है. Write a letter to the editor of a newspaper, drawing his attention to the gradual extinction of certain birds in the locality. Also suggest some measures to be taken to preserve birds. तो आपको अब एक पत्र लिखना है एक न्यूज़पेपर के संपादक को, जिससे कि आप बताएंगे कि कैसे आपके आसपास के जगह पर बहुत सारे पक्षियां ख़त्म हो रहे हैं, और इस उनके तरफ इनका ध्यान आकर्षित करिए, और उनको बताएं कि आप ऐसा क्या कर सकते हैं जिससे कि वो आप पक्षी पक्षियों का ध्यान रख सकते हैं. तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, मैंने एक को दिख रहा होगा कि एक फॉर्मेट, यानी कि जिस तरीके से आपको लेटर यानी पत्र लिखना होता है, इस साइड पर आपको एड्रेस लिखना होता है यानी पता लिखना होता है आपके जिसको आप भेज रहे हैं उसका पता, सेंडर्स एड्रेस जिससे हम कहते हैं. फिर आता है हम किसको भेज रहे हैं, यानी टू, हमने यहाँ पे एडिटर यानी संपादक को भेजा है, हिंदुस्तान टाइम्स के पेपर को, के संपादक को. उसके बाद हम एक सैल्यूटेशन लिखते हैं, यानी कि जैसे यहाँ पे डियर सर लिखा है, जैसे हम जिस प्रकार से एक दूसरे को पुकारते हैं वो लिखते हैं रिस्पेक्टेड सर या डियर सर करके. उसके बाद हम उसका कंटेंट लिखते हैं कि हम किस बारे में बोलना चाह रहे हैं. एक छोटी सी लाइन, क्लोजिंग लाइन लिखते हैं, यानी कि हम क्या करना चाह रहे हैं. और आखिरी में हम लिखते हैं योर्स फेथफुली और आपका नाम. इस तरीके से हम पत्र लिख सकते हैं. आप वीडियो को पॉज करिए और एक बार इस पत्र को पढ़ने की कोशिश करिए कि कैसे इस पत्र का फॉर्मेट यानी कि किस प्रकार से लिखा गया है. पहले सेंडर एड्रेस, टू सैल्यूटेशन यानी कि डियर सर या रिस्पेक्टेड सर, उसके बाद आप कंटेंट लिखते हैं, और योर्स फेथफुली या सिंसेरली, ओबीडियंटली, आप ये सब चीज़ें लिख सकते हैं वहाँ पर, और उसके बाद आपका नाम आता है.